नमस्कार, मेरा नाम ओम यादव है और मोगलिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ्टी शूज़ के बारे में। सेफ्टी शूज़ क्या होता है, सेफ्टी शूज़ खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए, आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए, ज़्यादा वक्त न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेफ्टी शूज़ होता क्या है। जैसा कि आपको नाम से मालूम चल रहा होगा, हम उस तरह के शूज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके पैरों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सेफ्टी शूज़ आपके पैरों को वर्क प्लेस पर होने वाली इंजरीज से बचाने का काम करता है। वर्क प्लेस पर विभिन्न प्रकार की इंजरीज हो सकती है, जैसे केमिकल से, इलेक्ट्रिक शॉक से, फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। सेफ्टी शूज़ आमतौर पर पहने जाने वाले शूज़ से थोड़ा अलग होता है। इसको बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि आपके पैरों को इंजरी से बचाने में सक्षम हो। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सेफ्टी शूज़ होता क्या है। अब बात कर लेते हैं सेफ्टी शूज़ खरीदने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना चाहिए। सेफ्टी शूज़ खरीदने से पहले आपको सबसे पहले सर्टिफिकेशन चेक करना चाहिए। जब भी आप सेफ्टी शूज़ खरीदने जाएं, तो आप चेक कर लें कि जो शूज़ आप खरीदने जा रहे हैं वो EN सर्टिफाइड है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको नहीं लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है फीचर्स। जब भी सेफ्टी शूज़ खरीदने जाएं, तो कुछ फीचर्स पर नज़र ज़रूर डालें, जैसे इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड होना चाहिए, एंटी स्टैटिक होना चाहिए, वाटर रेजिस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा भी कई और फीचर्स होते हैं, मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में बताया है, आप बाकी फीचर्स भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है टो कैप। टो कैप शू के आगे वाले हिस्से को कहते हैं। टो कैप बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। सबसे पहला स्टील टो कैप, सेकंड कंपोजिट टो कैप, थर्ड फाइबर टो कैप। एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। स्टील टो कैप, इस तरह के टो कैप्स हाई कार्बन एलॉय स्टील के बने होते हैं, जो आपके पैरों को मूविंग ऑब्जेक्ट, फॉलिंग ऑब्जेक्ट से बचाने का काम करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कंपोजिट टो कैप। ये टो कैप थर्मोप्लास्टिक, पॉलीमेरिक और नॉन मेटैलिक मटेरियल से बने होते हैं। ये भी आपके पैरों को फॉलिंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट से बचाने का काम करते हैं। थर्ड नंबर पे आता है फाइबर टो कैप। ये टो कैप नॉन मेटैलिक, लाइट वेट फाइबर से बने होते हैं, जो आपके पैरों को नॉन इंपैक्ट रेजिस्टेंस फीचर की मदद से बचाने का काम करते हैं। आखिरी नंबर पे आता है वेट। जब भी हम शूज़ खरीदने जाते हैं, हमारे दिमाग में कई सारे प्रश्न होते हैं, जैसे कि हमें लाइट वेट शूज़ खरीदना चाहिए या हैवी वेट शूज़ खरीदना चाहिए। मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आपको जब भी शूज़ खरीदने जाएं तो लाइट वेट शूज़ ही खरीदने चाहिए, क्योंकि लाइट वेट शूज़ कंफर्टेबल के साथ साथ फ्लेक्सिबल और आपके पैरों को थकावट से बचाते हैं, जिससे कि आप लंबे समय तक शूज़ पहन के काम कर सकते हैं। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है। तो ये तो मैंने आपको कुछ बातें बताई जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी शूज़ खरीदने से पहले। अगर आपको भी सेफ्टी शूज़ खरीदना है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट moglix.com से आप बड़ी ही आसानी से खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर सकते हैं। आपसे मुलाकात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।